क्योंकि काफ़ी सक्री गलियाँ हैं, सक्री गलियों में अधिकतर जो सारी इमारतें एक दूसरे से मिली हुई है। और सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि आग ना फैले, इसको किसी तरह से रोका जाए, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर दुकानें हैं, दुकानों की वजह से बिल्कुल सक्री गलियों की वजह से सुनील चौधरी डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। सर अभी की स्थिति की बात करें, कितने बजे का अभी हालात क्या है? अभी फायर अंडर कंट्रोल है, उसके बाद हम कूलिंग ऑपरेशन करेंगे और अंदर जाके सर्च करेंगे। सर कितने बजे कॉल मिली थी, टोटल कितनी गाड़ियां मौके पे हैं और कितना नुकसान हुआ है? 4:30 और 5:45 के बीच में कॉल मिली थी और 5 बजे हमारी गाड़ी यहाँ पे आके काम करना शुरू कर दिया था, उसके बाद से अभी फायर फाइटिंग चल रही है। सर कितनी अंदर कितनी दुकानें, किस चीज़ की दुकानों में आग? ये PVC सोल के जो शूज़ होते हैं उनमें आग, सभी दुकानों में हुई। तकरीबन कितनी दुकानों में आग हो? ये अभी नहीं गिना है क्योंकि धुआं बहुत है, वो बाद में पता लगेगा। कोई कैजुअलिटी वगैरह अभी नहीं पता लगा सर, आग का कारण कुछ पता चल पाया अभी तक? वो एक बार फायर फाइटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद पता। ये जो आग की सूचना मिली मुझे मिली 4:14 पे, तो मैंने तुरंत घर से ही अपना 101 पे फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया था और हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने भी फ़ोन कर दिया था, तो उसके बाद गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थी, लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं अभी भी और पूरी कोशिश चल रही है आग बुझाने की। मोस्टली थोड़ी सी आग बची है जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है और गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं और केमिकल डलवाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आग जल्दी बुझ जाए। सर किस चीज़ की दुकान है आप? हमारी फुटवेयर की मार्केट है जी, होलसेल की, करोल बाग में। मैं प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, धर्मपाल अरोड़ा। तो धर्मपाल जी, कितनी दुकानों को नुकसान हुआ अभी तक और क्या कोई कैजुअलिटी? कैजुअलिटी कोई नहीं हुई है, चार दुकानों पर आग लगी है जो कि चार दुकानें जो पूरी तरह से जल गई हैं। कितना नुकसान अंदाजा लगाया जा रहा है? अंदाजा तो लाखों रुपए का नुकसान है जी। क्या वजह क्या रही है, क्या गलती? ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है जी। दमकल की गाड़ियाँ मौके पे पहुँच गई थी, उन्हें 5 बजे आ गई थी सारी गाड़ियाँ, उसके बाद लगातार आ रही है। अभी फिलहाल अगर हम बात करें अभी की, तो अभी आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। हाँ, तो अब क्या स्थिति है? अभी तो आग पे काबू 75% तो पा लिया गया है और अब केमिकल डलवा रहे हैं, बाकी की जो आग बची है उसको बुझाने की पूरी प्रयास हो रहा है, उस पर केमिकल डलवा रहे हैं।